अब हम इसके बाद, हमने इसके पहले जो था आपको बताया था कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, समभिन्न, विषमभिन्न, मिश्रित भिन्न, और इन तीनों भिन्नों के बारे में आपको किस तरह की कंडीशन होती है बताया था, और आपको ये भी कहा था कि इन भिन्नों से आपको सिर्फ पहचानने के लिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, चाहे वो पूछेगा निम्नलिखित में समभिन्न कौन सी है, चार ऑप्शन दे देंगे आपको, एक आप पहचानना पड़ेगा, या कौन सी नहीं है, तीन रहेगी एक नहीं रहेगी, तो इस तरह की कंडीशन आपको एग्जाम में बन सकती है, चाहे वो टेक्निकल एग्जाम हो, आपका आईटीआई का एग्जाम हो, चाहे आपके जीसीएफ खमरिया के एग्जाम वगैरह हो, उसमें एक क्वेश्चन आपका इससे आता ही आता है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका टॉपिक का नाम है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों का आपका जोड़ना और घटाना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे आते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको नीचे के जो बेसिक पार्ट होते हैं, नीचे के जो आपके बेसिक एलिमेंट होते हैं, इसको हम हर बोलते हैं, उनका आपको क्या निकालना पड़ता है, पहले लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम निकालना पड़ता है आपको, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप यहाँ पे बहुत बेसिक पार्ट है आपका, ये 6 3 3 डिवाइड करते हैं छोटे से नंबर से, 2 से डिवाइड किया, 3 बार हो गया, 3 बार हो गया, 3 बार हो गया, अब दोस्तों जा ही नहीं सकता आपका 1 1 1, तो 2 × 3 = 6, ये हो गया आपका 6, आपका 6 आ गया एलसीएम, 6 एलसीएम आ गया, आपने 6 को लिखा यहाँ पे नीचे, अब ये जो नीचे वाला नंबर है और जो आपका एलसीएम आया है, आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, 6 से 6 को डिवाइड किया आपने तो 1 टाइम्स ही किया, इसलिए 1 × 1 प्लस, अब 3 से हम डिवाइड करेंगे 6 को, तो 3 × 6 2 बार गया, इसलिए 4 × 2 प्लस 3 से किए 6 को तो गया ये 2 टाइम्स, तो 2 × 2 ये बनेगा आपका 2 × 2, तो ये हो गया 1 + 8 + 4 / 6, मतलब 8 × 9 = 13/6, इसका आंसर आने वाला है, आ गया है आपका 13/6। तो इस तरीके से आपके और भी क्वेश्चन हैं, उसको आपको जोड़ना घटाना, उसमें गुणा भी करना बताएंगे आप, गुणा कैसे करते हैं, डिवाइड करना भाग करना ही बताएंगे आपको, इसमें वर्ड मास क्या होता है, BUDMAS कैसे उसको अप्लाई किया जाता है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन बेसिक में आगे बढ़ते हुए आपका ये क्वेश्चन यहीं तक था, आगे और भी क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस के लिए बताएंगे।